डियर स्टूडेंट्स सूडोसिलोमेट बॉडी प्लान आज हम डिस्कस करेंगे एस्केमें थीस के जनरल क्रैक्टरिस्टिक्स के बारे में एस्केलमें थीस इनवर्टिब्रेड्स का एक इम्पॉर्टेंट फाइलम है इस फाइलम के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये वो फर्स्ट फाइलम है जिसके अंदर बॉडी कैविटी अपीयर हुई यानी सिलोम जो है इसकी अपीयरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इस फाइलम के अंदर हुई लेकिन इस फाइलम के अंदर पेरिटोनियल लाइनिंग और मिजेंट्रीज ये अभी तक अपीयर नहीं हुई इसका मतलब है मिजेंट्रीज और पेरिटोनियल लाइनिंग ये इंपॉर्टेंट करैक्ट्रिस्टिक्स हैं हायर इन्वर्टिब्रेट ग्रुप्स की जो कि स्टिल एस्कमेंथीस के अंदर एबसेंट है इसलिए इसके अंदर जब मिजेंट्रीज नहीं होंगी पेरिटोनियल लाइनिंग नहीं होगी तो जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं वो फ्रीली इस बॉडी कैविटी के अंदर कैविटी के अंदर मूव कर रहे होंगे इस तरह की कैविटीज़ को हम क्या कहेंगे सूडोसिलोमेट और ये जो कैविटी कहलाएगी इसको हम कहेंगे सूडोसिली इसलिए ये एनिमल्स जो हैं इनको हम सूडोसिलोमेड्स भी कह सकते हैं क्योंकि इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी या सेलोम मौजूद नहीं है अब सूडोसलोमेड्स जो हैं इनके अंदर एक फ्लूड लाइक मटेरियल मौजूद होगा इसके अंदर एक जेलीटेनियस सब्सटेंस मौजूद है जिसके अंदर मिजेंट्रीज के सेल्स जो हैं जेली लाइक अपेयरेंस शो करते रहेंगे यानी सस्पेंडेड नहीं होंगे अटैच नहीं होंगे इस जिलेटिनियस मटेरियल के अंदर वो जेली लाइक मोमेंट्स जो हैं कंटिन्यूसली शो करते रहेंगे अब सूडोसिलोम जो होगा इसके इसलोमिट्स के अंदर क्या क्या फंक्शन है ये बॉडी कैविटी सर्कुलेशन में यूज़ होगी डाइजेशन में यूज़ होगी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर काम करेगी और ये लोकोमोशन में भी हेल्प करेगी ज़्यादातर एस्कलमें थीस जो हैं इनके अंदर एक्थोसेफलनस और निमेटोमोफ्स जो हैं उनको छोड़कर बाकी सब के अंदर एक कंप्लीट ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है यानी यह सिस्टम माउथ से स्टार्ट होगा और एनस पर आकर इसका एंड होगा और ये इसके बॉडी की एंटीरियर साइड पे माउथ मौजूद है और पोस्टीरियर साइड पे एनस मौजूद होगा और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहेंगे क्योंकि इसके अंदर माउथ से ए, इसकी स्टार्ट है और एन एस पे इसका एंड है अब ये एस्केलमेंट थीज दिस इज़ एन स्टेप टुवर्ड्स हायर फाइला जिनके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी अपीयरेंस हुई इसके अलावा ये हायर एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट टाइम हमें इसमें मिला इसके अंदर मिजेंट्रीज जो है फूड की मकैनिकल ब्रेक डाउन माउथ में शुरू होगी ब्रेकडाउन के बाद फूड जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी एब्जॉर्प्शन के बाद उसके वेस्ट मटेरियल की फॉर्मेशन होगी और वेस्ट मटेरियल की फॉर्मेशन जो है देन देट विल बी एलिमिनेटेड आउट द बॉडी थ्रू द एनस प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी सरफेस इसके अलावा इसके अंदर एक और एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस की अपेयरेंस स्टार्ट हुई वो क्या है इसके अंदर ब्लाइंड एंडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है और ज़्यादातर एस्कलमेंट थीज़ के अंदर माउथ के बाद फेरिंग्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है फेरिंग्स जो है दैट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर माउथ से फूड फेरिंग्स में आएगा इसके इंटरनल मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे फूड की डाइजेशन में हेल्प करेंगे और इसके अंदर फेरिक्स जो है दैट इज़ फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फीडिंग आल्सो ज़्यादातर एस्केलमेंट जो हैं दे आल्सो शो स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे यूटेली यूटेली का मतलब है कि इसके अंदर यूटीला ग्रीक वर्ड है इसका मतलब है थ्रिफ्ट इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा एक ऐसी कंडीशन भी सेल्स की है जिनके अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स या न्यूक्लियाई जो हैं दे आर इन सिंक्टिया दिस इज़ यूजली प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द एनिमल के हर एनिमल के बॉडी के अंदर एक सेल है सेल के गिर्द मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जिसको न्यूक्लिया या सिंकटिया भी हम कह सकते हैं और इस तरह से इस एनिमल में ऑर्गेन लेवल की अपीयरेंस जो है दैट इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट और इसकी करेक्ट्रिस्टिक्स क्या हैं बायट्रल सिमेट्रिकल हैं ये अनसिगमेंटेड हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं सलेंड्रिकल इन क्रॉस सेक्शन है, ज़्यादातर एस्कलमेंट थीज़ के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए सिस्टम्स मौजूद हैं और इसमें एक्सक्रीशन के लिए जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया इसमें सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलर सिस्टम इसके अंदर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोटोनिडियम दे आर क्वाइट वेल डिवेलप्ड और एनिमल की ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं दे आर क्वाइट वेल हैंडल्ड इसमें देर आर नो सेपरेट ब्लड आर एक्सचेंज सिस्टम कुछ कैफलाइजेशन की अपेयरेंस जो है दैट इज़ आल्सो स्टार्टिड इन अर स्कैलम थीज कैफेसन का मतलब है अपेरेंस ऑफ हेड एंटीरियर एंड पे प्रीमेटिव ब्रेन प्रेजेंट होगा सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है माउथ प्रेजेंट है ज़्यादातर एस्कैलमथीज जो हैं वो डाइशियस हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका अनकम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनका लाइफ साइकिल जो है दैट इज आल्सो सिंपल सीलियम जो है जनरली बॉडी सरफेस के एक्सटर्नल साइड पे सीलियम मौजूद नहीं है थिन टफ क्यूटिकल मौजूद है इसके अलावा इसका क्यूटिकल जो है उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक स्पाइन स्केल्स या दूसरे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और ये स्ट्रक्चर जो हैं एनिमल को अटैचमेंट में और उसके टेक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। कुछ एस्केलमें थीज़ के अंदर क्यूटिकल ग्रोथ में भी यूज होगा इसमें जो ग्रोथ का प्रोसेस है एक्डाइसिस मोल्डिंग दैट इज़ क्वाइट कॉमन क्यूटिकल के नीचे मल्टी न्यूक्लियट एपिडर्मस मौजूद है एपिडर्मस जो है दिस हेल्प्स इन द सिक्रिएशन ऑफ क्यूटिकल और लॉन्ट्यूडल मसल्स मौजूद हैं यानी हायर एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक्स एपिडर्मस मस्कुलर लेयर दे आर क्वाइट एविडेंट इन दिस फाइलर अब मोस्टली अल्कलमथिस जो हैं ये फ्रेश वाटर हैं कुछ मरीन भी हो सकते हैं और इनके अंदर निमाटोडस के पैरासाइट्स भी होंगे द रिमेनिंग जो है मोस्टली दे आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे लाइक टू लिव इन कॉलोनियल फॉर्म्स